जिस मूवी का इंतजार काफी सालों से रहा है पब्लिक को, आज उसका ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर पर काफी तगड़े रिएक्शंस आए हैं। कहीं कुछ लोगों ने इसको बहुत सस्ता बताया है तो कुछ लोगों ने बताया है नए बॉलीवुड की शुरुआत। तो चलिए यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रेलर को देखने के बाद साउथ के एक्ट्रेस का क्या क्या रिएक्शन रहा। अल्लू अर्जुन, रामचरण, NTR, प्रभास, रवि तेजा, चिरंजीवी। तो वीडियो के एंड तक देखते हैं और जानते हैं किसने क्या कहा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में जो स्टोरी नरेटर है वो अमिताभ बच्चन है और तमिल और तेलुगु में जो स्टोरी नरेटर है वो है नन अदर देन चिरंजीवी। और चिरंजीवी ने जब स्टोरी नरेट की थी उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वहीं पर उन्होंने अपना प्यार दिखा दिया था रणबीर कपूर के लिए और उनका यही कहना था कि आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा सितारा बनने की काबिलियत रखता है वो बॉलीवुड से रणबीर कपूर हैं। अगर आपका भी ऐसा मानना है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ भाई, इस मूवी से ये आपको भी लगा था कि रणबीर कपूर में वो बात तो है। अब चिरंजीवी ने मूवी नरेट की है तो उनको तो पता ही है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनको शायद हमसे ज्यादा पता है इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं। अगर हम बात करें NTR की तो उनकी तरफ से भी बड़े प्यारे एक्सप्रेशंस आए हैं। उनका कहना है कि डेफिनेटली बहुत पसंद करने वाले हैं, खासकर मेरे घर के बच्चे मुझे खींच कर ये मूवी दिखाने लेकर जाएंगे। और कुछ वैसा ना लग भी रहा है यार, हमारी जो ताकतें दिखा रखी हैं ब्रह्मास्त्र की और उसके साथ थोड़ा माइथोलॉजी का टच है, कहीं भगवान शिव है तो कहीं भगवान हनुमान जी हैं, और ये चीज़ें बहुत प्योर लग रही हैं मेरे को। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको VFX कैसे लगे। भाई मेरे को तो ठीक लगे। इन बिगिनिंग में जब नागार्जुन वो पंच मारते हैं विद दैट बुल, भाई अमेजिंग। रामचरण ने सबसे अलग बात कही, उनका कहना था कि एक ऐसी मूवी है जिसका ड्रीम हर एक एक्टर देखता है और ये मूवी एक एक्टर को डिफाइन करती है, उनकी पर्सनैलिटी को एक नाम देती है। जैसे पीटर पार्कर हो गया, जैसे टोनी स्टार्क हो गया, वैसे ही आपको शिवा में रणबीर कपूर दिखाई देंगे। अल्लू अर्जुन से लेकर राजा मौली तक सबके सब ब्रह्मास्त्र से काफी इम्प्रेस हैं। और मैं आपको बता दूं, साउथ में तमिल, तेलुगु और कनाडा में इस मूवी को रिप्रेजेंट करने वाले राजा मौली ही हैं। और अगर राजा मौली प्रमोशंस में जुड़े हैं तो डेफिनेटली यहाँ के लोग तो मूवी देखेंगे ही देखेंगे। बाकी का चार्म नागा अर्जुन का आपने देख ही लिया होगा। भाई मेरा तो ये कहना है मूवी बहुत क्रेजी होने वाली है और जब डायरेक्टर ने कह ही दिया कि पार्ट 2 है तो भैया कुछ तो दम होगा ही। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हाँ, एक थोड़ा ये हो सकता है कि करण जौहर की थोड़ी कोलैबोरेशन है तो वहाँ ये मार खा जाए करण जौहर के कारण, क्योंकि पब्लिक उसकी फिल्में तो देखना नहीं चाहती। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। तब तक आप सभी को अलविदा।